आखिर शैलेश लोधा ने क्यों छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो? एक्टर ने किया रिएक्ट। हाल ही में शैलेश लोधा ने अपने नए शो को लेकर सुर्खियों में आए वाह भाई वाह के लॉन्च के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो क्रिएट क्यों किया। दोस्तों, टीवी के सबसे पुराने और लंबे चलने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि शैलेश लोधा ने इसे अलविदा कह दिया है। जी हाँ, आपके वही तारक मेहता जो शो के आखिरी में सभी को मोटिवेशनल स्पीच देते नजर आते थे। इसके अलावा इस शो में नई दया बहन की एंट्री को लेकर भी पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही है। मेकर्स ने नई दया बहन के लिए ऑडिशंस भी शुरू कर दिए हैं। फैंस भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आखिर दया बहन कब इस शो में वापस आएंगी, क्योंकि उन्हें गए हुए 5 साल जो हो चुके हैं। एक्टर ने किया रिएक्ट। हाल ही में शैलेश लोधा अपने नए शो को लेकर सुर्खियों में आए वाह भाई वाह के लॉन्च के दौरान शैलेश लोधा मीडिया से रूबरू हुए थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो क्विट क्यों किया। इस पर एक्टर ने पहले तो जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ वाह भाई वाह के लिए हैं, तो सिर्फ उसी की ही बात करते हैं। प्रोडक्शन हाउस दिशा वकानी की जगह को फिल करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। वहीं शैलेश लोधा के शो में वापस लौटने की अब तक कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। शैलेश लोधा के शो क्विट करने को लेकर सूत्रों ने कहा था कि एक्टर पिछले 1 महीने से शूटिंग नहीं कर रहे हैं। शो में वापसी को लेकर अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। शैलेश लोधा अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उनकी डेट शो में सही ढंग से इस्तेमाल नहीं ली जा रही हैं। एक और वजह जो शैलेश लोधा के तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को क्विट करने के पीछे की बताई जा रही है, वह है कि शैलेश लोधा असल में इस शो के कारण कोई और काम नहीं कर पा रहे थे। पिछले कुछ समय से शैलेश लोधा ने अपने काफ़ी अच्छे ऑफर्स को ठुकराया है। वह नहीं चाहते कि उनके हाथ से कुछ और अच्छे ऑफर्स जाएं। प्रोडक्शन हाउस शैलेश लोधा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वह किसी तरह शो में वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्टर ने अपना मन बना लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तारक मेहता इस शो में वापस आ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर देना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, इसे शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।